व्यूअर्स, टुडे इज 28 मई, जिसको हम योम तकबीर मना रहे हैं. एंड क्रेडिट गोज टू मैनी पीपल कोलेक्टिव. तो मेन जो इसका कैरेक्टर था, ही वॉज साइंटिस्ट डॉक्टर कदीर खान. अल्लाह ब्लेस हिज सोल. व्यूअर्स, मैं यहाँ कदीर खान के मज़ार पे हूँ. अ ग्रेट डे. हम एटॉमिक पावर हैं और मेरी दुआ है कि हम सोशली और वेलफेयरली वाइज भी ऊपर आएं, लोग भूखे न सोएं. बट एनी हाउ, कदीर खान के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ. मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HC था और मैं सरगोधा गया, तो ये भी वहीं स्टे कर रहे थे, काफ़ी सिक्योरिटी थी. इनसे एक प्रोफेसर ने पूछा कि सर, ये जो आपने ये अचीव किया, ये सारा मरले, तो बड़ी मुश्किल होगी. तो इसने कहा था 5 मरले थे जो हमें तय करने थे, एंड वी सक्सेसफुली डिड इट. पहला मिशन, विजन और मिशन था कि हमने एटॉमिक पावर बनना है. उसमें एक ड्राइवर से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साइंटिस्ट, सब एक थे, एट पार थे. विजन एंड टू अचीव दैट मिशन कि हमने बनना है, कहा. अब ये जवाब दे रहा है कदीर खान, और ये डिस्कशन ज्यादा इनफॉर्मल थी. दूसरा, उसने कहा कि टेन्योर स्टेबिलिटी थी, कि किसी को ट्रांसफर नहीं करना. अब बहुत सी चीजें सीक्रेट्स हैं. मुझे एक स्टूडेंट जो उस वक्त डेप्टी कमिश्नर था नौशकी में, मैंने तो बलूचिस्तान में पढ़ाया, वहीं रिसर्च की, उसने कहा एक खातून थी जिसने 17 साल अपनी सारी जवानी वहां लगा दी और लोगों को ये था कि ये बकरियां चराती है, यहाँ रहती है. लेकिन क्योंकि वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड था, जो रास्को का एरिया था, वहां इवन बलूचिस्तान का होम सेक्रेटरी भी अलाउड नहीं था. तीसरा, उसने कहा कि नो कम्प्रोमाइज ऑन मेरिट. जो रिक्रूटमेंट हमने की ड्राइवर, ज़रा ड्राइवर के लिए भी एक खास बंदा चाहिए था वहाँ, कैमरामैन व्हाटएवर, या टाइपिस्ट, साइंटिस्ट, व्हाटएवर. जो रिक्रूटमेंट हुई वहाँ, वो मेरिट पे हुई. किसी का मामा चाचा, कोई सिफारिश नहीं थी, वो प्योर मेरिट पे थी. कदीर खान से लेके नीचे तक सब मेरिट पे थे. था ये था कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फंड्स, जितना पैसा हमें चाहिए. और ये कदीर खान का कहना था कि इसमें पाकिस्तान आर्मी जो थी एस्टेब्लिशमेंट बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि फंड्स चाहिए थे. उन्होंने कहा जी ऑल ऑन अस, फंड की कमी नहीं आनी, ना आनी थी ना आई. और आखिर उसने कहा कि हम ऑटोनमस थे, हमें ऑटोनमस था, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी हम पे, इंटरफेयर नहीं थी ना किसी एजेंसी की तरफ से, ना हमने काम नहीं, ये ऐसा जाना है काम. तो कहता था ये डिफिकल्ट टास्क था, बट दे अचीव. तो ज़ाहिर है जब ये 28 को धमाका हुआ, मैं टर्की में था, मैं उस वक्त स्कॉलर था पाकिस्तान चेयर पे. तो मुझे एक आम टर्क मिला, जो कि क्योंकि आई वांटेड टू इम्प्रूव माई टर्क, इधर उधर घूमता था मैं. तो उस तुर्क ने जो टिकटें, टर्किश में बिलेट कहते हैं, तो वो टिकट बेच रहा था, उसने मुझे कहा कि मुबारक हो कि आप तो बन गए हैं. वरना उसने, ये उसके अल्फाज थे कि मुसलमान मुल्क को एटॉमिक पावर बनना बहुत मुश्किल है, आप बन गए, काश के हम भी हों. और ये उसने कहा कि अरबों के पास इतना फंड है, वो तो बन ही नहीं सकते. ये अल्फाज थे उस टर्किश के. और मुझे बहुत लोगों ने था, और क्योंकि मैं था तो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरा ऑफिस, मुझे तनख्वाह वो वहाँ से मिलती थी, कौंसलेट से. तो अल्जीरियन जो मुसलमान कौंसल जनरल्स थे इस्तांबुल में, ऑल कॉल, उस वक्त का जो राहत उल ऐन होता था, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप का था कौंसल जनरल, उसको बड़े फोन आए. तो बहरहाल अ बिग डे, और अल्लाह ब्लेस हिज सोल. और मेरी दुआ है कि ये मुल्क सलामत रहे, यहाँ कम लोग भूखे सोएं, यहाँ कम लोग बेइंसाफी का शिकार हों, कम बेतालीमी का शिकार हों. अल्लाह ब्लेस अस ऑल.